때 잠깐 눈을 붙일 때 나는 마음에 불을 붙여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 그대 차가운 몸을 녹일 때 나는 초콜릿을 녹여요. 비밀의 나만의 초콜릿. 비스켓도 아니야, 쿠키는 더욱 아니지. 내 달콤한 그대에게 초콜릿이 어울려. 한 입에 쏙. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ दुआ व्लॉग्स एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज का जो है ना सीन कुछ ऐसे हैं कि आज है ईद का थर्ड डे जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ईद के थर्ड डे, लेकिन अपलोड इसको मैं आज कर रही हूँ, मतलब काफ़ी दिन बाद। हमारे घर में थोड़ा गेस्ट आए हुए थे इस्लामाबाद से, मेरी सिस्टर वगैरह, तो वो भी सब चले गए थे, तो इसलिए हम सब काफ़ी बिजी थे। तो मैंने कहा ज़रा आराम सुकून से इसका भी डालूंगी व्लॉग, तो फिर आज जो मुझे है टाइम मिला है तो फिर मैंने कहा इसको जल्दी से अपलोड करते हैं। आज का जो मेरा ड्रेस है वो है ग्रे कलर का ड्रेस, और ये सारी जो मेरी सैंडल्स हैं, थोड़ी एसेसरीज हैं, और ये परफ्यूम बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है जो मुझे मेरे भाई दुबई से लाए थे, कज़न लाए थे, तो वो है। और साथ ही मेरा जो ये ड्रेस है ये खुद मेरी मामा ने स्टिच किया है, तो मेरी मामा ने भी बड़े अरसे बाद ना, मतलब काफ़ी टाइम बाद कोई स्टिच किया, तो वो काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रही थी, वरना वो बस घर के कुछ मतलब इजी जो होते हैं ना कपड़े, घर के आम जो कपड़े होते हैं वो कभी कभी स्टिच कर लेती थी, लेकिन ईद का उन्होंने फर्स्ट टाइम किया। तो आज तो ये वाला जो मेरा ड्रेस है ना ये मेरी मामा ने स्पेशल मेरे लिए स्टिच किया है, और इसका जो डिज़ाइन है ना वो मैंने नेट से देख के उन्हें बताया था, तो उन्हें काफ़ी थोड़ा मसला हुआ था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा बनाया, बहुत प्यारा ड्रेस है। तो अभी जब मैं इसको पहनूंगी तब भी आप देखिएगा कि कितना ज़बरदस्त मतलब सूट है, बड़े मज़े का सूट है, और जैसा मैं चाहती थी उन्होंने सेम वैसा स्टिच किया है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की थी इस पर। और यहाँ जो मेरी सिस्टर भी रेडी हो रही है, और वो साथ कर रही है अपने बाल को, क्योंकि दो दिन ईद के जो थे ना हमने स्ट्रेट ही किए बाल, तो आज उसका मूड था कि आज उसने कहा कि हम ना आज कर्ल्स करते हैं, और बाई चांस ये सिस्टर भी इस्लामाबाद से ले आई थी, तो हमने कहा चलो आज ज़रा चेंज करते हैं, थोड़ी लुक चेंज करते हैं बालों की, क्योंकि दो दिन एक जैसी थी, तो आज ज़रा हमने कहा चेंज करते हैं कुछ। तो जी गाइस, मैं बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, अब हम जल्दी से अपनी रिंग्स पहनते हैं और परफ्यूम लगा के चलते हैं छत पे फ़ोटोशूट करवाने। क्योंकि मेरे साथ दो बार ऐसा हो चुका है, ईद के पहले दिन और दूसरे दिन ऐसा ही हुआ कि मैं जब तैयार होकर जाती थी तो रात हुई होती थी, और मैं मतलब रेडी ही थोड़ा लेट होती थी, शाम को रेडी होने जाती थी, फिर ये भी चाहती थी कि मेरा शूट भी दिन में हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। तो आज मैं One eternity later. मैंने कहा ज़रा जल्दी जाते हैं और चलते हैं ऊपर। ये है मेरा आज का ड्रेस फुल लुक, और ये पहनने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि ये मैंने रखा था कि हम तीसरे दिन मैं पहनूंगी, तो ये मैं पहनने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो इसलिए फिर इसके वजह से हमने थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई, थोड़ी शॉर्ट्स वगैरह बनाई, और मेहंदी पर मेरे बिल्कुल भी ध्यान ना देना, क्योंकि मुझे पता है मेरी मेहंदी बहुत बुरी लग रही थी, क्योंकि उसका रंग भी एक तो ख़राब हो गया था, ऊपर से वो लगी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी थी। और ऊपर से आज का जो मौसम है यार, वो तो बहुत ही ज़्यादा कमाल जा रहा है, इतनी मज़े की बारिश हो रही है, हल्की हल्की जब मैं अपनी वीडियोज़ बना रही थी तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो और मज़ा आ रहा था, और ऊपर से इतनी तूफ़ानी हवाएँ चल रही थी कि मेरी तस्वीर एक बंदा मुश्किल हो गया था। तो फिर मुझसे जितनी थोड़ी बहुत मैंने बनाई पिक्चर्स तो वो बना के हम नीचे आ गए, और उसके बाद जो है ये खाना वगैरह लगने लगा था। मेरी मामा ने आज बड़े मज़े की यार मंदी बनाई हुई थी, साथ उसके अचार गोश्त था, और बड़ा ही मज़े का था यार खाना। तो अभी जो है ना हम घर पे अकेले थे, तो मामा ने खाना वगैरह सब बना लिया था, और आप ही जो थी वो गई हुई थी बाहर, तो इसलिए हमने कहा था जब वो आएंगी तो फिर हम मिलके खाना खाएंगे। और उससे पहले जो थी ना हम मैं फ़ोटोशूट करवा के आके नीचे मैंने सफाइयाँ की, थोड़े से काम किए, क्योंकि नीचे काफ़ी गंद मच गया था। तो अभी जो है ना खाना शाना खाते हैं, फिर उसके बाद
हम चलते हैं कहीं बाहर, अगर किसी का प्लान हुआ बाहर जाने का, क्योंकि हमारा प्लान था बाहर जाने का, अगर देखते हैं अगर वो कायम रहा तो हम जाएंगे बाहर, तो उसकी भी वीडियो दिखाऊंगी। यहाँ जो है मैंने काम करके थक गई थी, फिर मैंने अपने बाल बांध लिए थे क्योंकि मुझसे ना खुले बालों में ना कोई काम नहीं होता। मेरे बाद जो है खैर खाना शाना खा लिया था, उसके बाद हमने मिठाई और ये एक और डेजर्ट बनाया था मेरी मामा ने आज, क्योंकि उन्हें आजकल बहुत शौक है कि वो अलग अलग तरह के डेजर्ट ट्राई करें। जिसे ना सेकेंड डे पे मामा ने बनाया था बहुत मज़े का, जो क्रीमी केक था वो भी मैंने आपको दिखाया था, और आज उन्होंने एक और रेसिपी बनाई थी, इसका नाम है लब्बे श्री, और ये बहुत ही मज़े का बनता है, मतलब ज़बरदस्त बनता है। इसमें डलती है क्रीम और क्रीम का भी टेक्सचर आता है, और साथ हल्की हल्की जो सेवियाँ होती हैं वो भी आती है, तो बड़े मज़े का बनता है। और यहाँ पर जो थे हमने बिल्कुल फ्री हो चुके थे और सब रेडी भी हो चुके थे, तो हमने कहा चलो बाहर चलते हैं, और बाई चांस आज हम तीनों की जो है मैचिंग हो गई थी, मेरी भाई के साथ मेरी और मेरे भाई और मेरा जो भांजा, हम तीनों की सेम मैचिंग हुई थी। तो हमने कहा अब ज़रा पिक्चर्स बनाते, क्योंकि बाय चांस हमें किसी को पता भी नहीं था, तो बड़े मज़े की हमारी मैचिंग हो गई। और हमने सुना था 8 अप्रैल को सोलर एक्लिप्स भी होनी थी, मतलब चांद को ग्रहण लगना था या सूरज को ग्रहण लगना था, इनमें से कोई एक थी। तो खैर अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ वीडियोज़ में दिखा रहे थे कि बाहर के मुल्कों में ऐसा काफ़ी हुआ है, वहाँ पर एकदम दिन था तो रात हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन शीन नहीं हुआ। यार मेट्रो में बैठने का मेरा बड़ा ड्रीम है कि मैं मेट्रो में बैठूं, लेकिन आज तक जब से पाकिस्तान में मेट्रो आई है तो मैंने एक बार भी, हम में से किसी ने मेट्रो में नहीं हम गए, तो मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं मेट्रो देखूं। आज बाय चांस मेरा कैमरा ऑन था तो उसमें ये रिकॉर्ड हो गया, कभी ये ड्रीम भी अपना पूरा करूँगी। और अब जो है हम आ चुके हैं पैकेजेस मॉल, मतलब आ चुके हैं, और यहाँ पर हम आए हैं मैक्सिमम 10 बजे आए हैं, और ये टाइम होता है मॉल्स बंद होने का, मतलब यहाँ से आवाम जो होती है ना वो रुख्सत हो रही होती है, जा रही होती है, और यहाँ पर जो है हम एंट्री कर रहे हैं। तो ये भी एक आसानी हो गई थी कि लोग बहुत कम था, ज़्यादा क्राउड नहीं था, और जब हम ऊपर आए तो नीचे वाले पोर्शन में मतलब रश नहीं था, लेकिन ऊपर जैसे जैसे हम जा रहे थे तो रश होता जा रहा था। ये मॉल वैसे कोई इतना ख़ास नहीं है, लेकिन आज इसकी जो लाइटिंग शाइटिंग है वो बड़ी कमाल की हुई थी, ज़बरदस्त हुई हुई थी, और ईद के हिसाब से बड़ा अच्छा डेकोरेट हुआ था और बड़ा मज़ा आ रहा था। तो यहाँ से हम सीधा चले गए प्ले एरिया में, वहाँ से हमने कहा था थोड़ी राइट शाइट लेते हैं वहाँ से, और बच्चों को ने भी गेम्स वगैरह खेलनी थी और हमने भी ज़रा झूले शूले लेने थे, तो इसलिए अभी जो है ना हम प्ले एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पर भी काफ़ी रश था बच्चों का। अंकल ने टेबल ख़राब कर दी थी। हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, एक 3D वाली मूवीज़ है वहाँ पर, हमने मूवी देखनी है तो उसके लिए जो मेरे भाई हैं वहाँ पर टिकट्स लेने गए हैं, और अभी जो है ना हम 3D मूवी ये वाली देखेंगे, और बाहर से लोग हमें देखेंगे, मतलब हमारी जो फैमिली है सब देख रहे होंगे, और बिल्कुल सेम ये वाली राइट्स हैं अंदर, मतलब 3D मूवी है ये, हम देखेंगे अंदर पता नहीं कैसी होती है, अंदर चल के दिखाऊँगी अगर वीडियो बन सकी। तो यहाँ पर काफ़ी सारी ऑप्शंस थी हॉरर मूवीज़ की, तो हमारा प्लान था कि हम हॉरर मूवी देखें, बच्चों को मैंने कहा था हॉरर देखते हैं। यार इतनी फजूल मूवी थी, हम अंदर गए हमने कहा बड़े अच्छी मूवी होगी, लेकिन ज़रा मज़ा नहीं आया, और सन ग्लासेस भी जो थे ना उनके 3D ग्लासेस वो भी इतने कोई फजूल किस्म के थे कि हमें सारा कुछ साइडों से नज़र आ रहा था, और मतलब कोई ड्रोना सीन ही नहीं बन रहा था, कोई डर ही नहीं लग रहा था। तो खैर अभी जो है ना बाहर आ गए, उसके बाद जो थे अब्दुल्ला ने जो हमारा जो भांजा उसने लेनी थी डॉजिंग कार, और पीछे तो गाने लगे हुए इमरान हाशमी के, और सॉन्ग लगे हुए दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा, तो वो लगे बड़ा मज़ा आ रहा है, ये अलग ही वाइब दे रहा है। सॉन्ग मैं आपको सुना नहीं सकती, वरना मैं आपको सारे सुनाती, लेकिन कॉपीराइट का बहुत इशू होता है, फिर कॉपीराइट जब आ जाता है ना फिर मुझे
दिमाग ख़राब हो जाते हैं, मतलब समझ नहीं आती क्या क्या करूँ। कॉपीराइट हटाने के लिए फिर पूरी वीडियो देखनी पड़ती है, उसमें से फिर चीज़ें डिलीट करनी पड़ती है, पता नहीं चलता कि किस पार्ट पर कॉपीराइट क्लेम हो रहा है। अभी हम प्ले एरिया से बाहर आ चुके हैं और बच्चों का जो एक होता है ना डायलॉग, कहीं भी घूमने जाओ तो वो कहते हैं कि प्यास लगे भूख लगे, तो इसलिए फिर हमारे भी बच्चों का ये काम शुरू हो गया। तो अभी जो है ना हम कुछ खाने पीने जा रहे हैं। हम भी वैसे बचपन में ऐसे ही करते थे, जब कुछ खाना पीना होता था तो हम ये बहाना लगाते थे कि हमें भी प्यास लगी है, तो इस बहाने हमें ड्रिंक्स मिलती थी, स्लश मिलता था, पता नहीं क्या क्या मिलता था, आइसक्रीमें मिलती थी। तो अभी ये बोले आजकल के बच्चे भी यही सब काम कर रहे हैं, हमारे नक्शे कदमों पर चल रहे हैं। और यहाँ फूड कॉर्नर में इतना ज़्यादा रश था, फूड वाले अपार्टमेंट में फुल रश था, बैठने की भी जगह नहीं थी, तो हमने कहा यहाँ पर हम नहीं खाएंगे, हम किसी ओपन जगह पर चलते हैं, किसी और रेस्टोरेंट चलते हैं बाहर जाकर, वहाँ से खाएंगे। She loves you, don't you hear? Chocolate, she 말하자니 난 사랑해. और ये जो मेरी बिल्ली है ये मेरी गोद में बैठी है और ये माशाल्लाह बड़ा हंस रही थी। आजकल इसकी मेरी बड़ी अटैचमेंट हुई है, तो कहीं भी जाना हो ना, मतलब ये मेरा हाथ पकड़ के मुझे अपने साथ साथ रखते हैं कि मैं कहीं चली ना जाऊं। तो अब जब हम अंदर 3D वाली राइड्स ले रहे थे तो बाहर इसको नहीं पता था कि मैं अंदर चली गई हूँ, तो फिर ये बाहर इतना भाई कहते, इसने इतना शोर मचाया था, इतना रो रही थी कि मेरी दाग हालत को बाहर लाओ उनको वापस लाओ। तो जब मैं आई और ये मुझे ऐसे लगी गले जैसे मैं पता नहीं कहाँ से सदियों बाद आई हूँ इसके पास। पीछे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट छोड़ के अब हम आ चुके हैं फूडी मूडी, तो यहाँ का भी फेमस काफ़ी हो रहा है ये रेस्टोरेंट, तो यहाँ का कहते हैं फूड भी काफ़ी अच्छा है, तो आज हम यहीं से खाएंगे, ट्राई करेंगे। रेस्टोरेंट अच्छा था तो हमें ऊपर सिटिंग नहीं मिली, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप नीचे चले जाएं, नीचे फैमिली सिटिंग है, तो अभी हम जो है नीचे आ गए हैं। मेरी जो बिल्ली है वो प्ले एरिया में गई हुई है खेलने अकेली, तो उसके पापा भी पीछे जा रहे थे। और यहाँ पर शुक्र है रश थोड़ा कम है, बाहर पहले की जगहों से रश यहाँ पर काफ़ी कम था। ये वाली लाइन मैं सेकंड टाइम रिपीट करी क्योंकि मेरा जो पता नहीं कैप कट का तो मसला है कि वो आवाज़ को एक्सेस नहीं कर पाता और पता नहीं म्यूट कर देता है। तो मैं आपसे ये बता रही थी कि मुझसे ना अक्सर ऐसा होता है कि ना मुझे बातें ख़त्म हो जाती है, मेरे पास मुझे बताने के लिए कुछ नहीं होता, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि मैं अब नेक्स्ट क्या बात करूँ, मेरा जो माइंड है ना वो बिल्कुल ऑफ हो जाता है और मुझे समझ नहीं आती कि मैं अब क्या ऐसी बात करूँ। तो फिर मैं इतनी देर सोचती रहती हूँ कि मेरे मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बता सकती हूँ, क्या क्या बातें, फिर मामा बताती है ये बोल देना, ये बोल देना, ये बता देना, ये वाली चीज़ बता देना। तो खैर अभी भी जो है ना मेरी बातें मुझे लग रहा है बिल्कुल एंड हो चुकी है। और अभी जो है हमारा खाना वगैरह आ चुका है, डील्स वगैरह हमने मंगवाई थी, तो बर्गर इनके बड़े मज़े के थे और पिज़्ज़ा यार इनका जो पिज़्ज़ा है स्पेशल इनका था, फूडी मूडी स्पेशल पिज़्ज़ा, तो यार ये मेरी जो लिस्ट है ना इसमें नंबर 1 पे आता है क्योंकि ये पिज़्ज़ा कमाल का था। ऐसा पिज़्ज़ा मुझे लगता है मैंने बहुत अरसे बाद खाया था, तो मेरा दिल कर रहा है अभी कि मैं ये दोबारा पिज़्ज़ा ट्राई करूँ। बर्गर भी अच्छा था लेकिन जो इनका पिज़्ज़ा था वो बहुत नेक्स्ट लेवल था। उसके बाद सीधा हम घर आ गए थे और व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। और अगर आपको मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर देगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।